कश्मीर के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत सारे थिंक टैंक्स भी काम कर रहे हैं जो कि काम कर रहे हैं कि किस तरह से पॉलिसीज को इंटरनेशनल लेवल पर डिलीवर किया जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि इंडिया इस मामले में काफी आगे है। किस तरह से वो प्रोपिगेट कर रहे हैं अपना व्यू प्वाइंट दुनिया भर में, उसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट इशू होता है वो होता है कि किस तरह रिसर्च जर्नल्स को पॉलिसी मेकर्स थिंक टैंक्स इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस वक्त मैं एक थिंक टैंक के रिसर्च फेलो के साथ मौजूद हूँ, अब्दुल कदीर। इनके हवाले से बात करते पहले तो हमें ये बताइए कि कश्मीर इशू की बात की जाए, बेसिक इशू हमारे देखने वालों को आप किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? कश्मीर के मसले पे पाकिस्तान के लोगों का बड़ा साफ और वाजह मौकफ है कि कश्मीर का मसला कश्मीरी हक़ खुद अदालत के जरिए ही हल करेंगे। यानी कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के साथ और फिर यूनाइटेड नेशंस के साथ ये मुआहदा किया था कि जब तक कश्मीरी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन एक्सरसाइज नहीं कर लेते तब तक कश्मीर का फाइनल स्टेटस डिटरमिन नहीं किया जाएगा। तो क्योंकि हिंदुस्तान को जब बाद में उसको अंदाजा था कि ये अगर कभी भी रेफरेंडम हो जाता है या यूएन फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइट हो जाता है तो उसका फैसला इंडिया के हाथ में नहीं आएगा, तो हिंदुस्तान अपने ही किए हुए मुआहदा यूएन और इंडिया पाकिस्तान के साथ उसे मुकर गया। वे फॉरवर्ड क्या है, थिंक टैंक किस सिलसिले में काम कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पाकिस्तान की, तो वो आप क्या कहेंगे? पाकिस्तान को सिर्फ बायलैटरल निगोसिएशन पर अब डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को मल्टीलैटरलिज्म की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि बायलैटरल निगोसिएशन फेल हो चुकी हैं और पिछले 70 साल में अगर कश्मीर का मसला हम बायलैटरल निगोसिएशन के जरिए हल नहीं कर सके तो आगे भी बहुत कम चांसेस हैं कि कश्मीर का मसला हम बायलैटरल निगोसिएशन के जरिए हल करेंगे। तो इस वजह से हमें अब यूएन के अंदर बहुत एग्रेसिवली अपना केस को लड़ना होगा। और यहाँ पे एक बात कि अब जब भी पाकिस्तान किसी भी तीसरे फरीक को दावत देता है या फिर यूएन को कहता है कि अपना किरदार अदा करे कश्मीर का मसला हल करने के लिए, तो हिंदुस्तान यहाँ पे क्या एक्सप्लॉइट करता है पोजिशन को कि क्योंकि शिमला एग्रीमेंट में पाकिस्तान और इंडिया ने यह तय किया था कि वो कश्मीर का मसला जो है वो बायलैटरली रिजॉल्व करेंगे, तो इस वजह से कोई भी तीसरा फरीक इस मसले में अपना किरदार अदा नहीं कर सकता। लेकिन एक तरफ तो हिंदुस्तान की ये पोजीशन है और दूसरी तरफ हिंदुस्तान खुद ही शिमला एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी कर चुका है क्योंकि कश्मीर को अब वो अपना एक इंटेग्रल पार्ट मानता है। शिमला एग्रीमेंट में ये बड़ा वाजे तौर पर लिखा है कि जब तक दोनों ममालिक अपने सारे मसाइल का हल नहीं कर लेते तब तक यकतरफा तौर पे कोई मुल्क अपनी पोजीशन यूनिलैटरली चेंज नहीं कर सकता। इस बात का मतलब यह है कि ना ही हिंदुस्तान कश्मीर को अपना इंटेग्रल पार्ट कह सकता है और ना ही पाकिस्तान कश्मीर को अपना इंटेग्रल पार्ट कह सकता है। तो क्योंकि अब शिमला एग्रीमेंट की भी कोई हैसियत नहीं थी, इंडिया उसको वॉयलेट कर चुका है और पाकिस्तान के पास अब सिर्फ यही इमीडिएट स्टेप ये उठाना है पाकिस्तान ने कि पाकिस्तान इस कश्मीर के मसले को बहुत जबरदस्त तरीके से यूएन के अंदर परसू करे। यूएन के अंदर परसू करने की आपने बात की, इसका मतलब है कि हमें मल्टीलैटरल अप्रोच की तरफ जाने की जरूरत है। अगर मल्टीलैटरल अप्रोच की बात की जाए तो हम जानते हैं कि हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी इकोनॉमी भी है और आज की दुनिया में इकोनॉमी के जरिए से देखा जाता है, डीलिंग्स की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर। मल्टीलैटरल अप्रोच में पाकिस्तान को किन चैलेंजेस का सामना हो सकता है और उन चैलेंजेस को हम किस तरह से निमट सकते हैं? अच्छा, पहले तो पाकिस्तान को आपने बिल्कुल जिस तरह यू राइटली मेंशन कि पाकिस्तान की जो पोजीशन हिंदुस्तान के मामले में हिंदुस्तान की डिप्लोमेसी और उसकी एक बिग इकोनॉमिक पावर है, उसके एलाइज जो है बहुत है, तो हम लोगों को अभी शुरू में काफी सारी दिक्कत होगी इस चीज को परसू करने में। लेकिन पाकिस्तान बहुत सारे स्टेप्स हैं जो पाकिस्तान परसू कर सकता है जो इसने अभी तक नहीं किए। फॉर इंस्टेंस, पाकिस्तान यूएन हाई लेवल एक एडवाइजरी बोर्ड होता है मीडिएशन पे, पाकिस्तान ने कभी उसको एंगेज नहीं किया। पाकिस्तान को चाहिए सबसे पहले उनको उस बोर्ड को एंगेज करे। फिर दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि यूएन के जो अभी मौजूदा सेक्रेटरी जनरल है और जो प्रेसिडेंट है, उनका जो मेन एजेंडा है, जो कोर उनका जो फोकस है, वो इस तक किस पे है? मल्टीलैटरलिज्म पे। उन्होंने खुद ये बात की है कि जब तक मल्टीलैटरलिज्म ही एक बेस्ट हल है सारे सोल्यूशन को या कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का, तो पाकिस्तान को इस चीज को चाहिए कि वो एक्सप्लॉयट करना शुरू करे। शुरू में दिक्कत होगी लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी पोजिशन को, जियो स्ट्रेटेजिक पोजिशन को मैक्सिमम यूटिलाइज करें, ना कि सिर्फ अगर 20 या 25 लोग इंडियन ट्रूप जब उनको मारते हैं तो तब हम जाएं और पूरी दुनिया जो है वादिला करें। हमें ये चीज को डेली बेसिस पे बड़ा एग्रेसिवली जो है टेक ऑन करना चाहिए।